खबर कोटा से है, जहां विज्ञान नगर थाना इलाके में चार दिन पहले बोरी में बंद मिले महिला के शव की बुधवार को अब शिनाख्त हो गई है। जी हां, मृतका की शिनाख्त लखावा निवासी गीता देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति गुलाबचंद बंजारा ने महिला के कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। उसका कहना है कि गीता गोबरिया बावड़ी चौराहे से लापता हो गई थी और शहर के कई इलाकों में तलाशी के बाद भी जब गीता नहीं मिली तो अनंतपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेकिन अभी चार दिन पहले गीता का शव विज्ञान नगर थाना इलाके में बोरे में बंद मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखो, हमारे जो गांव की महिला है वो यहां चौराहे पे से गुम हो गई थी। 23 तारीख को हमने अनंतपुरा थाना में उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को यहां पे लाश मिल गई। फिर ये परिवार वाले आए थे तो उसकी इस तरह जो है निशान मिटा दिए गए थे, तो उस समय पहचान नहीं पाए थे। कल जो है इनका जो पोस्टमार्टम हुआ था, जो उसके जो कपड़े थे, तो जब पोस्टमार्टम हुआ जो उसके कपड़े निकालने के बाद दोबारा जो है परिवार वालों को बुलाया तो कपड़े जो है उसी महिला का। मांग तो ये है कि जो हत्यारे हैं, हत्यारों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। की शिनाख्त के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, पूरी रेंज में गुमशुदगियों को तलाशा है। 60 से अधिक परिजनों को जो गायब है महिलाएं, उनकी बॉडी दिखाई गई है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई थी और इस स्थिति में नहीं थी कि उसकी पहचान की जा सके। तब जाके उसका पोस्टमार्टम कराया और दाह संस्कार कराया गया। गुमशुदगियों की फिर तलाश की गई तो एक गुमशुदगी अनंतपुरा थाने में गीताबाई की हुई थी। गीताबाई के परिजनों को तलाश करके कपड़े दिखाए, उन्होंने कपड़ों की पहचान की है, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के उपरांत ही हो पाएंगे कि ये गीताबाई